मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा वाई जंक्शन पर हुआ हादसा, टैंकर ड्राइवर के पब्लिक ने की जमकर पिटाई, महिला बच्चे सहित एक आदमी हुआ घायल। बताया जा रहा है कि मुंब्रा वाई जंक्शन पर कालशेखर हॉस्पिटल के जाने वाले रास्ते के ठीक सामने ही एक टैंकर ने एक एक्टिवा को पीछे से टक्कर मार दी। ये एक्टिवा एक व्यक्ति चला रहा था और पीछे उसके एक महिला बैठी थी, साथ में एक 4 से 5 साल का बच्चा भी था। हादसे में महिला के पैर में काफ़ी चोट लगी है। महिला के पैर से काफ़ी खून निकल रहा था, बच्चे के पैर में भी चोट लगी है और मामूली रूप से यह आदमी भी घायल हुआ है। हालांकि इन तीनों लोगों का नाम हमें नहीं पता चल सका है और महिला के पैर से खून काफ़ी निकल रहा था, इसलिए इसे बिलाल हॉस्पिटल लाया गया। बिलाल हॉस्पिटल से इन लोगों को जो है DY हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि जिन लोगों ने हॉस्पिटल इन लोगों को पहुंचाया है, वो लोगों ने ऐसा जानकारी दिया है कि ये लोग तीनों तलोजा के रहने वाले हैं और ये लोग आज जब हादसा हुआ दोपहर के वक्त मुंब्रा की तरफ ये लोग आ रहे थे। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने टैंकर ड्राइवर जो था उसे पकड़ लिया, मगर टैंकर में बैठे और दो लोग भागने में कामयाब रहे, ऐसी जानकारी सामने आई है। मगर टैंकर ड्राइवर जो पकड़ा गया उसे पब्लिक ने जमकर पिटाई की है। यही नहीं, पब्लिक में इतना गुस्सा हो गया था कि पत्थर भी मारकर टैंकर के आगे का कांच तोड़ दिया है। जैसे तैसे कर मौके पर पहुंचे हवलदार ने भीड़ के बीच से टैंकर ड्राइवर को बचाकर बाहर निकाला और इसे मुंब्रा पुलिस को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि मुंब्रा वाई जंक्शन अब धीरे धीरे काफ़ी खतरनाक होता जा रहा है, खास करके कालशेखर हॉस्पिटल के पास जो जाने वाला रास्ता है वो वहाँ पर आए दिन हादसे अब हो रहे हैं और यहीं से कॉलेज के जो छात्र हैं वो भी बड़ी संख्या में निकलते हैं और इन्हें भी जो रोड पार करना पड़ता है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के बीच से ही इन्हें गुजरकर पार करना पड़ता है। ऐसे में कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं, इसलिए इस पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह से इन छात्रों को छुट्टी होते ही उन्हें रोड पार कराया जाए। इस पर खास तौर पर ट्रैफिक विभाग को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि छुट्टी होने के बाद जो ट्रक टैंकर बड़ी बड़ी गाड़ियां यहां से जाती हैं और इन्हीं गाड़ियों के बीच से ये स्कूली छात्र कॉलेज के छात्र यहीं से होकर रोड पार करते हैं, जो कभी भी हादसे का रूप ले सकता है। आज हुए हादसे के बाद एक लड़का जिसका नाम रेहान है और उसके दोस्त ने इस हादसे को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है वो भी हम सुनाते हैं आपको, लेकिन ये भी बता दें कि घायल अवस्था में ही हॉस्पिटल इन लोगों ने भी पहुंचाने में मदद की थी। बहरहाल रेहान ने इस हादसे को लेकर क्या कुछ कहा है सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रेहान है। क्या कर रहे थे तुम यहाँ पर? मैं यहाँ से उत्तर शू जा रहा था दुकान पे। क्या हुआ था यहाँ पे, एक्सीडेंट हुआ सुनने में आया है? यहाँ सर हम लोग जा रहे थे उत्तर शू के तरफ से, तो यहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे ट्रैफिक के वजह से। यहाँ से एक बाइक आई और उसके पीछे जस्ट ट्रक वाला था, रिलायंस गैस, उसने ना 60 से सीधा वो बाइक को ठोक दिया। लेडीज के पैर पे चढ़ा पहले, आदमी उड़ के ना 2 फुट 3 फुट दूर गया है। उसके बाद बच्चा औरत है ना, उसकी पूरी पैर की चर्बी वगैरह फट गई है, पूरी फट गई है। मैं उठाया वो औरत को और रिक्शे में डाला, वो आदमी और उसका आदमी और मैं और ये रिक्शे में डाले। उसके बाद वो ट्रक वाले को उतारे ना, तो ट्रक वाला दारू पिया हुआ था, उसके मुंह से बाज भी आई, तो पब्लिक उसको मारना चालू करी। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल लेके गए कालशेखर, तो कालशेखर तो अभी बन रहा है, तो वहाँ से फिर रिवर्स आए हम लोग बिलाल लेके गए, तो बिलाल में भी अभी बोले DY पाटिल लेके जाना है। तो हम लोग बोले ठीक है चलो भाई, DY पाटिल आप लेके चले जाइए, हम लोग यहाँ पे अपना खाली। कुछ पता चला कि वो लोग कहाँ के रहने वाले थे? जो वो लोग खार कर गए थे, तलोजा से आ रहे थे। एक छोटा बच्चा था, एक औरत थी, आदमी बस, बच्चा 2 साल का, 2.5 साल का, 3-4 साल का था, वही 3-4 साल का। आदमी को भी लगा है, आदमी को थोड़ा बहुत लगा, आदमी को भी ये सब जख्मी हो गया। बाइक लेकर कहाँ से आ रहे थे? तलोजा से आ रहे थे, हाँ वही रोड से आ रहे थे, ट्रक वाला उनके पीछे ही था। कितने बजे हुआ ये? तकरीबन 12 बजे कुछ हुआ है, 12 बजे के बाद। 12 बजे आधा घंटा पहले।